हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। और आज हम लेकर आए हैं सरलीकरण के कुछ धातु सवाल। दोस्तों, ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये ऐसे वर्गमूल से संबंधित होते हैं जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है दोस्तों। तो इनके आंसर हम बिना पेन चलाए एक सेकंड में ला सकते हैं, चुटकियों में आंसर आएंगे दोस्तों। आप लोगों को कुछ रटने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल आपको सिखाऊंगा प्रॉपर वे में। पहले इनके आंसर आपको बता देता हूं दोस्तों। उससे पहले इसका आंसर है दोस्तों 3, इसका आंसर है दोस्तों 4, इसका आंसर है दोस्तों 2 व 3 के बीच में, इसका आंसर है दोस्तों 3, इसका आंसर है दोस्तों 8 की पावर 1/3, जिसको हम 2 भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर है दोस्तों 5 की पावर 31/32। ठीक है दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे मैंने इतनी आसानी से मात्र सेकंडों में सारे क्वेश्चनों का आंसर निकाल दिए। दोस्तों यहां पे आप लोग भी इन आंसरों को निकाल सकते हैं ऐसे ही सेकंडों में। ठीक है दोस्तों, मैं प्रत्येक सवाल का आपको एक्सप्लेन देकर पूरा हल समझाऊंगा कैसे ये आंसर आ रहे होंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं अब एक एक सवाल की तरफ और आपको समझाता हूं कैसे इनके आंसर आप लोग भी चुटकियों में ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस पहले क्वेश्चन को हम यहाँ पे लेते हैं और आपको करना सिखाता हूँ कैसे हम इसका आंसर निकालेंगे। दोस्तों देखिए, जो भी सीरीज दी गई है ये अनंत तक होनी चाहिए और हमेशा ही प्लस माइनस में जो क्वेश्चन देगा दोस्तों वो अनंत तक देगा कि ये सीरीज कहां तक जा रही है, अनंत तक। तो इनके लिए आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। जो संख्या यहाँ पे दिए दोस्तों, यहाँ पे दिए 6, तो इस 6 के ऐसे 2 गुणनखंड ढूंढिए जिनमें आपस में 1 का अंतर हो। दोस्तों कितने का अंतर हो, 1 का अंतर हो। तो मैंने यहाँ पे देखा कि 2 3 के 6 होते हैं, 2 और 3 कितने होते हैं, 2 3 को गुणा करेंगे तो 6 आ जाएंगे दोस्तों। और इन दोनों में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। ऐसे गुणनखंड होने चाहिए, ऐसे गुणनखंड यदि आपको मिल जाते हैं तो यदि सीरीज में प्लस का चिन्ह आ रहा है, किसका चिन्ह आ रहा है दोस्तों, प्लस का, तो जो बड़ी वाली संख्या है वही हमारा आंसर है दोस्तों। कौन सा आंसर है, बड़ी वाली संख्या। आप भी अब चुटकियों में निकाल पाएंगे ऐसे क्वेश्चनों के हल। ठीक है दोस्तों, अगर माइनस में होती सीरीज तो जो छोटी वाली संख्या है वो हमारा आंसर हो जाता दोस्तों। ठीक है, क्लियर हुई बात। चलिए अगले क्वेश्चन पे आपसे प्रैक्टिस करवाता हूं मैं। ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके लिए, बताइए आंसर डायरेक्ट क्या होगा। देखो क्या होगा आंसर, इसका 6 होगा। कैसे आया दोस्तों, इस 30 के हमने 2 गुणनखंड किए, 5 6 30 और प्लस में है सीरीज, तो बड़ा वाला जो मान है वही आंसर है, बड़ा वाला मान है 6, तो 6 ही आंसर है इस पूरी सीरीज का। ठीक है, आप लोग चुटकियों में आंसर निकाल देंगे दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों का। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए दोस्तों, अभी तक जो हमने क्वेश्चन कही थे वो हमारे प्लस के चिन्ह के साइन जो क्वेश्चन थे वो थे, और अब जो चिन्ह आया है वो चिन्ह है, वो साइन है माइनस का दोस्तों। तो अब क्या करेंगे हम, इस 12 के ऐसे गुणनखंड करेंगे जिनके मध्य में अंतर 1 हो। तो हम जानते हैं 3 चौक 12, और माइनस का है, देखो इनके बीच में अंतर 1 का ही है, चिन्ह यहाँ पे माइनस का है, तो मैंने कहा छोटा वाला मान होगा वही हमारा आंसर है, इसलिए इस सीरीज का आंसर हो जाएगा दोस्तों 3। कितना हो जाएगा आंसर दोस्तों, 3। आप लोग समझ पाए अच्छे से। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं ऐसे ही। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी सीरीज अनंत तक जा रही है और चिन्ह है माइनस का, संख्या दी है दोस्तों यहाँ पे 20, तो हमको 20 के ऐसे 2 गुणनखंड करने हैं जिनमें 1 का अंतर हो। तो हम जानते हैं 4 5 20, जैसा कि मैंने आपको ये क्वेश्चन थंबनेल में दिखाया था शुरू में। तो क्या करेंगे, देखो माइनस में चिन्ह है तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, छोटा वाला 4। ठीक है, 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, क्लियर हो पाई आपके बात। इनमें 1 का अंतर होना चाहिए, जरूरी है, ये जरूरी है दोस्तों कि कितने का अंतर हो, यहाँ पे 1 का अंतर हो। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे संख्या दी है 8 8 8 की सीरीज दे दी दोस्तों, और बीच में चिन्ह दिया है प्लस का, और सीरीज जा रही है दोस्तों अनंत तक। अब मैं 8 के गुणनखंड ढूंढू, ऐसे कोई 2 गुणनखंड लेके आए जिनके मध्य में 1 का अंतर हो, आपको आप देखेंगे एक भी ऐसा गुणनखंड नहीं है जिनके मध्य में 1 का अंतर हो। 8 के कोई गुणनखंड ऐसे नहीं है दोस्तों, क्योंकि 4 2 8 होते हैं, ठीक है, 1 8 8 होते हैं, इन कहीं भी 1 का अंतर नहीं मिलेगा आपको। 4 2 8 में भी 1 का अंतर नहीं है, 1 8 8 में भी 1 का अंतर नहीं है दोस्तों, तो कोई सा भी नहीं मिला। तो जब ऐसे आपके सामने ऐसी संख्या आ जाए जिसके कोई 2 गुणनखंड ऐसे ना मिले जिनमें 1 का अंतर हो, तो आप क्या करो, देखो यदि प्लस की सीरीज है ना, प्लस की सीरीज, तो आप इससे आगे की संख्या देखो जिनमें 1 का अंतर मिल जाए गुणनखंडों में। आगे चलना है प्लस में, प्लस में कहां चलना है दोस्तों, आगे। माइनस होता तो कहां चलते, पीछे। तो 8 से आगे कौन आता है, 9 9 के भी नहीं है दोस्तों, 10 10 के भी नहीं है, 2 5 10 होते हैं, 3 का अंतर है, 11 11 के भी नहीं है दोस्तों, 11 के बाद आता है 12 12 के हैं दोस्तों, 12 क्या है, 3 चौक 12, कितने का अंतर है दोस्तों, यहाँ पे 1 का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम, 3 व 4 के बीच होगा। इसका आंसर क्या होगा, 3 व 4 के बीच, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन ऐसे ही आते हैं एग्जाम में भी, बिल्कुल 3 व 4 के बीच, 3 के बीच 3 व 6 के बीच, 3 व 5 के बीच, 2 व 3 के बीच, ऐसे ऑप्शन मिलेंगे जब ऐसे क्वेश्चन देगा आपको, तो आप ऑप्शन पे टिक कर दोगे 3 व 4 के बीच दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा, समझ में आया आपके बात। आइए ऐसा ही क्वेश्चन एक और प्रैक्टिस के लिए लिया है मैंने, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
यदि पिछले क्वेश्चन को आपको समझने में दिक्कत आई है दोस्तों, फिर से मैं अगला क्वेश्चन लाया हूं। देखो ऐसी संख्या यहां पे रखी है मैंने 11, जिसके दो खंडों के बीच में एक का अंतर नहीं है, और सीरीज इस बार माइनस की और वही अनंत तक चल रही है, तो मैं क्या करूं? देखो फिर से समझ ले, 11 के ऐसे कोई भी गुणनखंड नहीं है जिनके बीच में कितने का अंतर हो, एक का अंतर हो, ऐसे नहीं है। तो अगर माइनस की सीरीज है, माइनस की सीरीज है तो पीछे चलना है, और प्लस की सीरीज है तो आगे चलना है। माइनस के तो पीछे चलेंगे, 11 से पहले कौन आता है? 10। 10 के भी नहीं है दोस्तों, 2 और 5 होते हैं, एक का अंतर नहीं है, ठीक है। 9, 9 का भी नहीं है। 8, 8 का भी ऐसे कोई नहीं है। 7, 7 के भी नहीं है दोस्तों। इसके बाद कौन आया दोस्तों? 6, और 6 के अंतर है दोस्तों ऐसे 2 व 3, कितने का अंतर है? एक का, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 व 3 के बीच आंसर हो जाएगा, 2 व 3 के बीच इस सीरीज का आंसर आएगा दोस्तों। कुछ भी आ सकता है वो, 2.67, 2.564, कुछ भी आ सकता है दोस्तों, ठीक है। तो लेकिन जो इसका सटीक आंसर है वो है 2 व 3 के बीच में होगा दोस्तों। क्लियर हो पाई बात आपके? समझ पाए आप लोग? ऐसे ही टफ क्वेश्चन है, एग्जाम में करने में ऐसे ही क्वेश्चनों में दिक्कत आती है, तो इसको भी हम बहुत आसानी से समझ पा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये अगला क्वेश्चन है, और ये मैंने एक ही क्वेश्चन रखा है यहाँ पर, इसके बारे इसका रीजन भी बताता हूँ क्यों मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन रखा है। जब प्लस और माइनस की सीरीज थी तो उनमें अनंत तक पहुंचे थे हम, ठीक है। और गुणा की जो सीरीज है उसमें दो प्रकार क्वेश्चन है, एक में तो हम अनंत तक जाएंगे और एक में बिना अनंत के कुछ संख्या दे देगा और वहां पे रोक देगा दोस्तों, और कोई चिन्ह नहीं होता। तो इसको भी आप ध्यान में रखें कि काई का चिन्ह है इनके बीच में, गुणा का चिन्ह है दोस्तों, मतलब संख्या क्या है? ये 3। तो जब पहला टाइप है इसमें गुणा वाले में कि संख्या अनंत तक जाए, कहां तक जा रही है दोस्तों? अनंत तक। तो इसका आप मुझे बने डायरेक्ट आंसर याद कर लो कि जो संख्या यहाँ पे दी है वही इसका आंसर है, आपको कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। अगर अनंत तक जा रही है ये, तो जो संख्या यहाँ पे दी है वही आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों? 3 हो जाएगा। इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन रखा। अगर यहां पे 5-5 दे देता तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता 5। यदि 8-8 दे देता तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता दोस्तों 8 हो जाता दोस्तों, ठीक है। 11-11 देता तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता दोस्तों? 11 हो जाता, ठीक है। आप लोग समझ पाए इस बात को? इसीलिए इस टाइप का मैंने एक ही क्वेश्चन लिया, आप लोग समझ गए होंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट देखते ही आंसर टिक करना है आपको बस, ठीक है दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है भाग वाला। भाग वाले क्वेश्चन बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन कभी कभी एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, तो आप इसको भी समझ लीजिए। भाग की सीरीज आ जाए, यदि चिन्ह भाग का दे रखा, और कहां तक जा रही है? अनंत तक जा रही है दोस्तों। तो अनंत तक जाए तो इसका भी सटीक आंसर है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है आपको। आपको जो यहाँ पे संख्या दी है इसको लिखना, हमेशा ये करना है, चाहे कितनी भी बार हो, ठीक है, कोई भी संख्या हो यहाँ पे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। जो संख्या दी है उसको लिखेंगे और उसके ऊपर पावर लगा देंगे 1/3। इसको आप आसान भाषा में ये भी बोल सकते हो कि 8 का क्या लेना है? घनमूल लेना है। क्या लेना है दोस्तों? क्यूब रूट लेना है, घनमूल लेना है, ठीक है। 8 का क्यूब रूट होता है अपने आप में क्या होता है? 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। यदि यहां पर मान लो संख्या होती 5, तो हम क्या करते हैं? 5 की पावर 1/3, और 5 का क्यूब रूट पूर्णांक में नहीं होता, हमको पता नहीं है पूर्णांक में क्या होता है, पॉइंटों में आता है इसका आंसर। इसलिए आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो, ऐसे ही छोड़ सकते हो, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर हो पाई बात आपके? 8 का निकलता है इसलिए हमने पूर्णांक में आंसर निकाला, 5 का नहीं निकलता, पॉइंटों में आता है इसलिए नहीं निकाला हमने, ठीक है। अगर ऑप्शन में दे तो हम टिक कर देंगे ऐसे ही, ठीक है दोस्तों। समझ पाए आप लोग? हमेशा ही ऐसे करना है। देखिए अगला क्वेश्चन एक और है, उसको भी मैंने रखा है यहां प्रैक्टिस के लिए, भाग वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन, आप लोग बताइए कर पा रहे हैं आप लोग सेकंडों में? कितना आंसर आया होगा सब अपने अपने कमेंट में लिखें, ठीक है, कितना आंसर आया होगा, ठीक है। अब मैं सोल्व करके बताऊं क्या करना है आपने। 64 लिखना है और इसकी पावर लगानी है 1/3, ठीक है दोस्तों। 64 की पावर 1/3 अर्थात 64 का क्यूब रूट लेना है हमको, घनमूल लेना है, और 64 का घनमूल हमको पता है पूर्णांक में कितना होता है? 4, क्योंकि 4 चौक 16 और 16 चौक 64, यह आता है दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए आंसर कितना हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा 64 की पावर 1/3 या फिर 4 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्लियर हो पाई आपके बात यहां से? बिल्कुल। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, वो बहुत ही अच्छा टाइप है और अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। देखिए दोस्तों ये रहा वो पहला क्वेश्चन जो मैंने थंबनेल में भी रखा था, और आपको इसका आंसर निकाल के बताया था सटीक तरीके से, बिल्कुल 5 की पावर 31/32। आप सोच रहे हैं कैसे मैंने इतनी जल्दी निकाला, तो आप भी अब से बहुत जल्दी इसका आंसर निकाल सकते हैं। आपको क्या करना है दोस्तों? जो संख्या यहाँ पे रखी है, पहले तो देख लो इस क्वेश्चन की विशेषता क्या है, उसको समझो आप लोग। यहाँ पर गुणा में दी है पूरी सीरीज और अनंत तक नहीं जा रही। कहां तक नहीं जा रही दोस्तों? अनंत तक नहीं जा रही, इस बात का ध्यान रखना है। अनंत तक जाती तो इसका आंसर यही हो जाता। तो जब तक अनंत तक ना पहुंचे, सीरीज बीच में रुक जाए, तो हम क्या करें? जो संख्या
संख्या दी है उसको लिखेंगे, पहला स्टेप ये है। ठीक है, अब देखेंगे कितनी बार ये संख्या आई, कितनी बार आई है दोस्तों, 1, 2, 3, 4, 5, कितनी बार आई है, 5 बार। तो आप क्या करो, 2 की पावर 5 का मान ज्ञात करो, हमेशा ही 2 की पावर का मान ज्ञात करना है और जितनी बार संख्या आई है उसको पावर में लगानी है। ठीक है, क्लियर हो गया। सेकंड स्टेप, 2 की पावर 5 का मान होता है दोस्तों 32। क्या मतलब होता है इसका, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, इनको गुणा करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 32 आएगा। तो आप क्या करें, बटे में तो 32 रखें और ऊपर इससे एक कम रखें, एक कम का मतलब कितना हो जाएगा, 31। ऐसे आप ऐसे क्वेश्चनों का आंसर निकाल पाओगे आसानी से। समझ पाए आप लोग दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप मैंने समझाया है और बिल्कुल आसानी से आप चुटकियों में कर पाओगे इन क्वेश्चनों को भी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं एक और क्वेश्चन पे आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन, बताइए आंसर क्या आएगा, बता सकते हैं आप, बताइए। देखिए क्या करूं मैं, 9 दिया है 9 लिख लिया, अनंत तक नहीं जा रही, तो देख लेंगे 9 कितनी बार है, 1, 2, 3, 4, 2 की पावर 4 का मान होता है 16 और ऊपर एक कम 15, तो यही आंसर हो गया हमारा, 9 की पावर 15/16 इसका राइट आंसर हुआ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, आशा करता हूं आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपने अंत तक देखा इसके लिए धन्यवाद।